मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज निशांत सर और आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का एसएससी पढ़ाने वाला हूँ। और चैप्टर है हमारा चैप्टर 8, द लैंड ऑफ सैंड, यानी कि हम लोग मिट्टी वाली जमीन पढ़ेंगे। सैंड मतलब बालू वाली जो मिट्टी है उसकी जमीन को हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप वीडियो देखें तो आप लोग स्टार्टिंग में कमेंट सेक्शन में अपना स्टार्टिंग और अपना नाम जरूर लिखें, और जब आप एंड करें वीडियो तो आप लोग लास्ट में एंड जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग किताबें बुक्स ले लें ताकि आप लोगों को चैप्टर्स को समझने में टॉपिक्स को समझने में आसानी हो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एसएससी ट्रीट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन जो हमारे अलग सब्जेक्ट्स एसएससी के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं हमारे साइंस मैथ्स हिंदी इंग्लिश उसके वीडियोज भी आपको रेगुलरली मिलता रहे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 5 का 8 चैप्टर एसएससी में जिसका नाम है द लैंड ऑफ सैंड, ठीक है। डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई लैंड्स, राइट वाले जो डेजर्ट्स होते हैं वो ड्राई लैंड होते हैं, यानी कि रेगिस्तान होते हैं, वो सूखे जमीन होते हैं। दे रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और जो वहां पर रेनफॉल होता है बहुत ही कम होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेजर्ट्स वाले इलाके में जो है रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, और डेजर्ट जो रेगिस्तान होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पर्टिकुलरली हॉट डेजर्ट्स यानी गर्म डेजर्ट्स, गर्म रेगिस्तान, और कोल्ड डेजर्ट्स यानी कि ठंडे रेगिस्तान, क्लियर। तो आज जो है इस चैप्टर में हम लोग सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ऐसा जगह है हमारे वेस्ट साइड का जो एक बहुत ही सूखा इलाका माना जाता है, क्लियर। सऊदी अरेबिया एक कंट्री है हमारे एशिया में, क्लियर। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि जहां भी डेजर्ट्स हैं वो सारे के सारे कहां है, कॉन्टिनेंट जो है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स वो हमारे सबके वेस्टर्न साइड में जो है हमारे ज्यादातर रेगिस्तान जो है जो डेजर्ट्स हैं वो पाए जाते हैं सारे कॉन्टिनेंट्स के, क्लियर। तो आज हम देखते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। इसके जो पहले चैप्टर्स पढ़ा था हमने देखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में, हमने देखा था ग्रीनलैंड के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं सऊदी अरेबिया के बारे में, क्लियर। द अरेबियन पेनिनसुला इन द साउथ वेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि मान लो ये एशिया है तो उसके साउथ वेस्ट में जो है इस वाले रीजन में जो है हमारा सऊदी अरेबिया पड़ता है, साउथ वेस्ट यही है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर, तो साउथ वेस्ट कहां पड़ता है, जैसा अगर ये डायरेक्शन अगर ये लिया जाए तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, क्लियर। ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये हमारा साउथ ईस्ट माना जाता है। तो साउथ वेस्ट जो है एशिया का वो पेनिनसुला जो अरेबियन पेनिनसुला है, जो अरेबियन पठार है वो हमारे वेस्ट एशिया में साउथ वेस्ट एशिया में पड़ता है, क्लियर। इस हॉट डेजर्ट, और ये बहुत ही जो हमारा ये अरेबियन पेनिनसुला है ये बहुत ही ज्यादा गर्म डेजर्ट माना जाता है, जो पठार है वो एक डेजर्ट के फॉर्म में है और ये बहुत ज्यादा गर्म पठार माना जाता है, जो डेजर्ट भी एक है। सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला, और ज्यादातर जो हिस्सा है सऊदी अरेबिया का वो हमारे अरेबियन पेनिनसुला में पड़ता है, क्लियर। लोकेशन देखते हैं, लोकेशन के बारे में सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरेबिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, यानी कि जो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है हमारी वो एशिया की फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है। इट इज सराउंडेड बाय जॉर्डन, यानी कि अगर उसकी पड़ोसी देशों की बात करें तो किस किस कौन कौन सा है, जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और ओमान है, येमेन है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे उसके पड़ोसी कंट्रीज है, जैसे इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज हमारे पाकिस्तान का श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उसी तरह जो सऊदी अरेबिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो ये सब माने जाते हैं, क्लियर। द रेड सी इन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट, और जो रेड सी है जैसे कि तुम लोग पेज नंबर 53 पे देख सकते हो, चैप्टर 8 के 53 पेज नंबर पे जो तुम लोग इमेज जो वहां पे मैप बना हुआ है उसमें देखना तुम लोग कि सऊदी अरेबिया के वेस्ट साइड में ये मान लो सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो इस साइड में तुम्हारा रेड सी है,
और इधर हमारा कौन सा है पर्शियन गल्फ। क्लियर, तो ये हमारा लोकेशन सऊदी अरेबिया का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कौन कौन से उसके नेबरिंग कंट्रीज है, उसके वेस्ट साइड में हमारा रेड सी है और उसके ईस्ट साइड में कौन सा है पर्शियन गल्फ, एक छोटा सा एक समुद्र टाइप का है, एक नदी टाइप का है। ठीक है, और उसी तरह एक रेड सी है हमारे वेस्टर्न साइड में सऊदी अरेबिया के, वहां का पानी माना जाता है कि हमेशा लाल, हमेशा ब्राउनिश और रेडिश रहता है हमेशा। क्लियर, इसीलिए उसका नाम जो है रेड सी पड़ा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग, लैंड और इसकी क्लाइमेट के बारे में। ऑलराइट, सो हम देखते हैं लैंड के बारे में, यानी सऊदी अरेबिया का जो लैंड है वो कैसा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज अ रॉकी प्लेटू कवर्ड विद वास्ट डेजर्ट, यानी कि ज्यादातर जो हमारा अरेबियन सऊदी अरेबिया का जो कंट्री है वो ज्यादातर जो हमारा एक रॉकी प्लेटू से कवर्ड है और वहां पे बहुत बड़े बड़े जो है वहां डेजर्ट पाए गए हैं जाते हैं। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज अ बैरन डेजर्ट, यानी कि आधा से ज्यादा हिस्सा जो है जो सऊदी अरेबिया का वो एक पूरा बंजर रेगिस्तान है। क्लियर, देयर आर माउंटेन्स ऑन द वेस्टर्न साइड नियर द रेड सी, और जो माउंटेन्स है सऊदी अरेबिया में, अभी हमने देखा था रेड सी जो है वेस्टर्न साइड में है हमारे सऊदी अरेबिया का, तो माउंटेन्स जो है सिर्फ सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं रेड सी के पास। द इंटीरियर ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद सैंड, और जो अंदर का हिस्सा है सऊदी अरेबिया का पूरा जो है सैंड से कवर्ड है। क्लियर, रब अल खाली इन द साउथ एंड अल फूड इन द नॉर्थ आर कंटिन्यूअस बॉडीज ऑफ सैंड, यानी कि साउथ में सऊदी अरेबिया के साउथ में जो रबल खाली है, ठीक है, और जो अन्न फूड है हमारे नॉर्थ में वो पूरा का पूरा जो रीजन है वो पूरा सैंड से कवर्ड है। क्लियर, दिस रीजन इज डॉटेड विद सैंड ड्यून्स, और जो हमारा नॉर्थ जो रबल खाली है और जो अन्न फूड है वो पूरा का पूरा रीजन जो है हमारा एक सैंड ड्यून्स बने। सैंड ड्यून्स कहने का मतलब है कि कहीं कहीं पानी का हिस्सा जो है वहां पर पाया गया है। ठीक है, मतलब पूरे डेजर्ट के बीच में एक जगह पानी होना, उसको बोलते हैं हम लोग सैंड ड्यून्स। क्लियर, स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफन शिफ्ट द ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जब तेज हवाएं चलती है तो ये जो ड्यून्स है ये कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि पानी जो है कहीं और बारिश और हवा के कारण क्या होता है कि पानी कहीं और जमा हो जाता है एक पूरे रेगिस्तान के बीच में। There are no lakes or permanent rivers in Saudi Arabia, यानी सऊदी अरेबिया में कोई ना ही कोई तालाब है ना ही कोई वहां पे परमानेंट रिवर है, जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे रिवर्स है हमारे, बट सऊदी अरेबिया में जो है कोई भी रिवर पाया नहीं जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि सऊदी अरेबिया में जो है बहुत ही ज्यादा पानी की कमी देखी जाती है, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत कम होती है और कहीं कहीं पे पानी जब भरता है, बारिश हल्की बारिश होती है कहीं कहीं पानी भर जाता है तो बहुत ही छोटे समय के लिए वहां पे रह पाता है, गर्मी के कारण पूरा एवोपरेट हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा पानी की कमी देखी जाती है। क्लियर, अब देखते हैं क्लाइमेट, तो जैसा कि हमने देखा कि हॉट डेजर्ट्स प्लेटू वाले रीजन है हमारा सऊदी अरेबिया, तो वहां क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है। सऊदी अरेबिया है एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट, यानी कि बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट है हमारे सऊदी अरेबिया का। देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, और वहां पर रेनफॉल जो है ना के बराबर होती है, मतलब ना ही होती है, बिल्कुल भी वहां पर रेनफॉल नहीं होती है। द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर, यानी समर सीजन है वहां शुरू होता है मई से और सेप्टेम्बर तक वहां पे समर सीजन चलता है, और दिन के टाइम जो वहां पे टेम्परेचर होता है समर्स में गर्मियों में वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ड्राई वहां होता है। शाम जो रातें हैं वहां पे समर्स में थोड़ी कूल होती है, ठंडी होती है। क्लियर, द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, और जो विंटर सीजन है वो अक्टूबर से अप्रैल तक वहां पे होता है। जैसे हमारे कंट्री में देखा गया है कि पहले समर्स होता है, ठीक है, मार्च से लेकर तुम्हारा जून तक, फिर मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है, फिर ठंड आती है, फिर तुम्हारा दूसरा सीजन जो है वो स्टार्ट होता है। क्लियर, इसी तरह यहाँ पर सिर्फ दो सीजन होते हैं समर्स और विंटर्स, तो समर्स में जो डे टाइम है बहुत ज्यादा गर्म और हॉट होता है और ड्राई होता है,
और नाइट्स जो होते हैं वो थोड़े कूल होते हैं। उसी तरह विंटर जो है यहाँ पे अक्टूबर से लेकर अप्रैल से अप्रैल तक वहाँ पे होता है, ठीक है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक वहाँ पे विंटर होता है। और ठंड जो होता है वहाँ पे डे के टाइम पे मौसम वहाँ पे वार्म होता है, मतलब ठीक ठाक होता है गर्म। और जब रातें होती हैं तो रातों में जब ठंड के मौसम में रातों में बहुत ज्यादा ठंड वहाँ पे होती है, बहुत ज्यादा ठंड। क्लियर। इन कोस्टल एरियाज वेदर इज माइल्ड। और जो कोस्टल एरियाज है हमारे जो साउथ एरिया कोस्टल एरिया मतलब जो एरियाज हमारे समुद्र के आसपास है, ठीक है, जो एरिया समुद्र के आसपास है वहां के एरिया जो है माइल्ड, वो जो वेदर है वहां का वो माइल्ड है। क्लियर। वहां का वेदर जो है ना ही ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंड होता है वहां पे कोस्टल एरियाज में। और सैंड स्टॉर्म्स यानी कि धूल मिट्टी वाली जो हवाएं चलती है वो आम बात है हमारे साउथी एरिया में, वो सारे सीजन्स में होता है। क्लियर। आई होप आपको जो है लोकेशन और हमारे लैंड जो है साउथ एरिया का समझ आ गया होगा कि वो पूरा जो है सैंड कवर्ड है नॉर्थ और हमारा साउथ, और वहां पे सैंड ड्यून्स पाए गए हैं, बारिश बहुत कम होती है वहां पे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शॉर्टेज है पानी की। और क्लाइमेट देखा कि ठंडी और बहुत ज्यादा ठंडा होता है रात के टाइम, और दिन के टाइम मौसम थोड़ा हल्का गर्म होता है। और विंटर समर्स की बात किया तो समर्स में डे टाइम बहुत ज्यादा गर्म और ड्राई होता है, हॉट एंड ड्राई होता है, और नाइट जो होती है वो कूल होती है। कोस्टल एरियाज में जो है मौसम थोड़ा ठीक ठाक होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, और धूल मिट्टी की हवाएं जो है वहां पे आम बात है सारे सीजन्स में। क्लियर। आई होप आपको दोनों की टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ साउथी अरेबिया की। ऑलराइट, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ साउथी अरेबिया। ऑलराइट, सो प्लांट्स दैट ग्रो हियर कैन विदस्टैंड इन द हॉट एंड ड्राई वेदर, यानी कि वैसे प्लांट्स ज्यादातर यहाँ पे ग्रो करते हैं जो गर्म और सूखे वेदर को बर्दाश्त कर सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। जो यहाँ प्लांट्स होते हैं जो उनके रूट्स होते हैं जड़ जो होते हैं वो बहुत ही डीप इनसाइड द सॉइल होते हैं ताकि उनको वाटर मिल सके। क्लियर। दे ऑल्सो हैव सॉफ्ट एंड फ्लेसी रूट्स एंड स्टेम्स टू स्टोर वाटर। उनके जो रूट्स होते हैं जो स्टेम होते हैं वहां पे ऐसे रूट्स और स्टेम पाए जाते हैं जहां पे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और फ्लेसी यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा गुदगुदा टाइप का उनका वहां पे रूट्स होता है, और वो जो गुदगुदा टाइप का होता है वो वहां पर अपने रूट्स में स्टेम्स में जो है वाटर स्टोर करके रखते हैं ताकि उनमें पानी कमी ना हो और वो सूख ना जाए। क्लियर। सेज टामरिस एंड डेट पाम ग्रोज हियर, यानी कि ये जो पेड़ है यहाँ पे ज्यादातर सेज हो गया, टामरिस हो गया, और डेट पाम यानी कि छुआड़ा जो होता है जिसको छुआड़ा कहते हैं हम लोग डेट पाम को, वो ज्यादातर यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर। तो ये हमारा प्लांट्स का, यानी कि प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स वहां पे ज्यादातर जो रूट्स होते हैं उनके बहुत डीप इनसाइड द अर्थ होते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग वहां पे पानी उनको पानी की कमी ना हो, और जब डीप इनसाइड द अर्थ जाते हैं तो उनको पानी वहां पे मिलता है, यानी कि जो रूट्स होते हैं बहुत ज्यादा लंबे होते हैं उनके। अब वाइल्ड लाइफ, मेनी एनिमल्स आर फाउंड इन हियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स स्नेक्स स्कॉर्पियंस लिव इन द डेजर्ट। तो एनिमल्स भी जो है वहां पर बहुत ज्यादातर पाए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट जैसे कि स्नेक्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, अलग अलग तरह के कीड़े जो है डेजर्ट्स वाले इलाके में पाए जाते हैं जहां पे डेजर्ट्स है। फैल्कन्स, अगर बर्ड्स की बात किया तो वहां फैल्कन्स हो गए, ईगल्स हो गए, वल्चर्स हो गए, रैबिट्स हो गए, और वाइल्ड बोर्ड जो है वहां पे कॉमन बात है कि वहां पे मिलते हैं। क्लियर। द कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल वहां पे, और बहुत ही यूजफुल एनिमल माना जाता है। कैमल जो है बहुत ही ज्यादा वहां पे इम्पोर्टेंट और यूजफुल एनिमल माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो कैमल का इस्तेमाल करके जो है इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, और जो उसका फीट है कैमल का जो पैर होता है जो तलवे होते हैं कैमल के वो सैंड में चलने में बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं, यानी कि जो बालू वाली मिट्टी होती है उसको चलने में बहुत ज्यादा उनको आसानी होती है, उसको कोई दिक्कत उनको फेस नहीं करना पड़ता। इट कैन ऑल्सो लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज, और बिना खाए पिए जो है कैमल्स बहुत दिन तक रह सकते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं और बिना खाए पिए वो बहुत दिन तक रह सकते हैं ऐसे गर्म इलाके में भी, इसलिए जो है कैमल वहां पे बहुत ही यूजफुल एनिमल माना जाता है। क्लियर। तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो गया होगा वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है हमारे साउथी अरेबिया में। ऑलराइट, सो हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है हमारे साउथी अरेबिया की, ठीक है। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ साउथी अरेबिया इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स,
यानी कि सऊदी अरेबिया में एक छोटा सा ही हिस्सा जो है वहां पर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल है। क्लियर, मतलब छोटा सा ही एरिया जो है वहां पे, वो वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चरिंग किया जा सकता है। द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर व्हीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी ज्यादातर जो वहां पे वेजिटेबल, जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है, जो खेती वाले जो प्रोडक्ट्स है, वो क्या गया वहां पे, व्हीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट्स एंड वेजिटेबल्स, यही चीजें जो है वहां पे पाई जाती है एग्रीकल्चर से। वाटर नीडेड फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड इरिगेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिसैलिनेटिंग सी वाटर। यानी कि जो इरिगेशन यानी कि खेतों में पानी पटाने के लिए वहां पे, और डोमेस्टिक पर्पस यानी कि घरों में इस्तेमाल करने के लिए जो पानी का, जो पानी वहां पे आता है, वो जो सी वाटर है वहां पे, जो सी, जो सॉल्टी वाटर जो है वहां पे सी नदियों में, उसको जो है वहां पे डिसैलिनेट मतलब उसको प्योर बनाया जाता है, शुद्ध किया जाता है पीने के लिए। तो उसी वाटर का इस्तेमाल जो है वहां पे पानी पटाने के लिए खेतों में और डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी को शुद्ध करके जो है, पानी को प्योर करके जो है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पे पानी का कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, ज्यादातर जो पानी अवेलेबल उनके पास होता है वो बड़े बड़े जो सीज है, जो नदी, जो समुद्र है, वहीं से अवेलेबल होता है और वहीं से वो पानी को प्योर करके जो है इस्तेमाल किया जाता है उसका, क्योंकि वो पानी इतना इम्प्योर, इतना नमक वाला पानी होता है वहां पे, वहां के समुद्र में, कि उस पानी का इस्तेमाल जो है किया ही नहीं जाता किसी भी काम के लिए। क्लियर। डेट पाम ग्रोज इन द एरियाज वेयर ग्राउंड वाटर रिचेज सरफेस। और डेट पाम यानी जो खजूर या फिर अगर छुआड़े की बात की जाए, तो वो ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस तक पहुंच जाता है। तो कई कई कुछ कुछ ही इलाके हैं वहां पे हमारे सऊदी अरेबिया में जो पानी, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस तक पहुंचता है, और जहां पे भी ये ग्राउंड वाटर जो सरफेस तक पहुंचता है वहां पे उसको ओएसिस कहा जाता है। ठीक है, सच एरिया इज कॉल्ड ओएसिस, यानी जहां पे ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस तक पहुंचता है। पेज नंबर तुम लोग 53-54 पे देख सकते हो, पेज नंबर 54 पे, कि वहां पे जो है तुम लोग ओएसिस का डायग्राम देख सकते हो, कि जहां पे ग्राउंड वाटर कहीं कहीं पे जब निकल जाता है ऊपर सरफेस पे, तो उस सारे इलाके को जो है ओएसिस कहा जाता है। परमानेंट सेटलमेंट इज फाउंड नियर द ओएसिस, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है सऊदी अरेबिया की वो तुम्हारे ओएसिस के आसपास ही पाया जाता है। ज्यादातर लोग जो है परमानेंट सेटलमेंट जो करते हैं वो वहीं पे करते हैं। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया जो है वो पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल वाली चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं पूरे वर्ल्ड में। कच्चा तेल जो होता है, कच्चा तेल जो निकलता है समुद्र से, ज्यादातर जो है इसका प्रोडक्शन हमारे सऊदी अरेबिया में किया जाता है। ऑलमोस्ट इंटायर इनकम ऑफ द कंट्री कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम। इसका कहने का मतलब है कि जो पूरा का पूरा जो इनकम है देश का, सऊदी अरेबिया देश का, वो पेट्रोल को दूसरे देशों में बेच के जो इनकम कमाते हैं उसी से ही होता है पूरे देश का इनकम। यानी कि ज्यादातर जो, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का, तो वो जितना इस्तेमाल नहीं करता उससे ज्यादा वो एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज में बेच दिया करता है, और वहां से जो पैसा आता है पूरे कंट्री का इनकम उसी चीज से होता है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पावर जनरेशन एंड टेलीकॉम। और अब जो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पेट्रोलियम की जो बनी हुई चीजें होती हैं उसके इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप कर रही है, वहां पे फैक्ट्रीज बना रही है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स हो गए यानी कि पेट्रोल वाले केमिकल्स हो गए। ठीक है, पेट्रोलियम को रिफाइन करने का, क्योंकि पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है, उसको रिफाइन करके जो है डीजल, पेट्रोल, किरोसिन ऑयल बनाया जाता है, तो वैसे इंडस्ट्री सेटअप कर रही है जिससे पेट्रोलियम को रिफाइन मतलब प्योर किया जा सके। क्लियर। पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अलग अलग वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर रही है सरकार वहां पे। और टेलीकॉम को जो लेकर यानी कि जो दूर संचार है, टेलीकॉम जो कंपनी जैसे इंडिया में हमारे एयरटेल, वोडाफोन वैसे, तो वहां पे भी जो है आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्लियर। दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और भी जो इंडस्ट्रीज मैंने बताया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो गया, पावर जनरेशन हो गया और टेलीकॉम हो गया, वहां पे बहुत सारे व्यक्तियों को जो वहां पे नौकरी आज के टाइम पे वहां पे मिल रही है। क्लियर। तो आई होप आपको जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लियर हो गया, क्या क्या जो है वहां पे ग्रो करते हैं,
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में और कैसी कैसी वहां पे इंडस्ट्री सेटअप की गई है सरकार के द्वारा और क्या क्या वहां पे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम फिलहाल यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट वन है हमारे वीडियो का, इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे, जो बाकी दो हमारे जो टॉपिक्स दो तीन टॉपिक्स जो बची हुई है जो रिलेटेड टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर का, उसको जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से टॉपिक्स। फिर भी कोई डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक, मैं वहां पे आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और आप लोग घर पे पढ़िएगा, चैप्टर टॉपिक्स को रिवाइज कीजिएगा पीडीएफ से, या फिर बुक से ले लीजिए, बुक से आप लोग रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो। ठीक, फिर भी कोई डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। क्लियर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल सनीटेट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोग मेरे अलावा बाकी सब्जेक्ट जो है उसके वीडियोस को मिस ना कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।